हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी से। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं वो टॉपिक है डीबीटी एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2023। ठीक है, तो डीबीटी की 2023 में क्या कट ऑफ होने वाली है बैट, ठीक है, बैट एग्ज़ाम की। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो कट ऑफ अभी आप देख पा रहे हैं वो 2022 एग्ज़ाम वाली कट ऑफ है। ठीक है, डीबीटी बैट 2022 एग्ज़ाम की कट ऑफ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो जनरल कैटेगरी थी उसकी जो फर्स्ट कैटेगरी जिसे हम JRF की एंड सेकंड कैटेगरी जिसमें हम नेट वाले होते हैं, ठीक है, इस तरह से इनको मतलब अलग से हम JRF हमें मिलता है, और इस जो सेकंड कैटेगरी में होते हैं उन्हें ये एज ए प्रोजेक्ट या फिर इस तरह से उनको वो दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करें अगर जो जनरल है उनकी कट ऑफ गई थी 186 30 में थी, 300 में से 186 पे कट ऑफ गई हुई थी, ठीक है, 62%। वहीं अगर सेकंड कैटेगरी की बात करें तो वो गई थी आपकी 60% पे 180 पे। ओके, ओके, एंड जो EWS कैटेगरी है उनकी कट ऑफ गई थी 163 पे एंड सेकंड की गई थी 157 पे। ठीक है, एंड जो OBC है उनकी कट ऑफ गई थी 160 एंड 154 पे आपका सेकंड कैटेगरी, SC में 150 एंड जो सेकंड कैटेगरी है 145 एंड ST में आपका 150 एंड 146। ओके, जो DA थे उनकी गई थी 150 एंड 144 की। तो ये कट ऑफ थी आपके लास्ट टाइम। तो अभी अगर हम बात करें या तो कट ऑफ इसी के अराउंड रहेगी, इससे 2% ज़्यादा या 2% कम का कोई यहाँ पे बहुत कम वो है चांस, ज़्यादातर या तो इतना ही रहने वाला है या फिर इससे थोड़ा बहुत इम्प्रूव हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि आपका जो एग्ज़ाम है उसका लेवल किस तरह का था। दूसरा, ये डिपेंड करता है कि जो मार्क्स आए थे वो किस रेंज में आ रहे हैं, कैंडिडेट्स के कितने ज़्यादा ऐसे हैं जिनका कट ऑफ काफ़ी हाई है, कितने ऐसे हैं जिनका मीडियम है एंड कितने ऐसे हैं जो काफ़ी कम है उनके मार्क्स। ठीक है, तो इस पे डिपेंड करेगा कि आपकी कट ऑफ कितनी रहने वाली है। ओके, एंड ये है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि आपकी जो 2014 से एंड 2022 तक किस तरह की या किस रेंज में आपकी कट ऑफ रही है। तो आप यहाँ पे सभी देख सकते हैं कि जो DBT बैट JRF की जो कट ऑफ है वो 2014 में किस तरह से जनरल कैटेगरी, फिर EWS, OBC, SC, ST एंड PWD, ये फर्स्ट कैटेगरी एंड इधर सेकंड कैटेगरी के लिए जनरल, EWS, OBC, SC, ST एंड PWD। आप अपने अकॉर्डिंग कट ऑफ देख सकते हैं, जैसे जनरल 2014 में 189, फिर 2015 में 197 पे कट ऑफ गई, 2016 में 171, 2017 में 160, 2018 में 141 एंड 2019 में 181 एंड 2020 में 236 एंड 2021 में 194 एंड 2022 में 186। ओके, तो ये जर्नल की थी, ऐसे EWS की आपकी एंड OBC। ठीक है, तो इस तरह से आप ये सारी कट ऑफ देख सकते हैं आप किस कैटेगरी में और आपको किस तरह से यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हाईएस्ट अब तक कट ऑफ गई है वो 2020 में गई है सभी कैटेगरी में, और ये थी 2020 में 236। ठीक है, एंड यहाँ पे 236 पे जो कट ऑफ लगी थी ये सबसे हाईएस्ट कट ऑफ है, एंड सबसे लोएस्ट कट ऑफ की अगर हम बात करें तो वो 2018 में लगी थी सभी कैटेगरी में, जिसमें जनरल की 141 पे लगी थी एंड OBC की जो है 110 एंड SC 95 एंड ST 71 एंड PWD 48। तो ये हाईएस्ट है, और ये हाईएस्ट एंड ये लोएस्ट है।
तो अगर और इसी के बीच में आपकी कट ऑफ लगने वाली है, तो अगर आपका 62 या 70% या 75% है तो यस आपका क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। एंड जिनका थोड़ा बाउंड्री लाइन पे है या कम है तो वो अभी कट ऑफ का वेट करें, ओके। एंड ये सभी ईयर्स की कट ऑफ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे एंड हैप्पी लर्निंग।